तहसील बाह आगरा के गांव चौरंगाहर के 20 वर्षीय युवक आलोक पुत्र दिनेश यादव का शव कस्बा बाह के कैंजरा रोड पर बाह डिपो के पास शहीद स्मारक मुल्तान सिंह के स्मारक के पास बबूल के पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजन युवक की हत्या कर पेड़ पर लटकाए जाने का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों के अनुसार युवक कल शाम को घर से कानपुर अपने मामा कमल सिंह के यहाँ जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। बता दें कि युवक आलोक कुछ माह पहले छेड़छाड़ की घटना के पॉक्सो एक्ट में जेल में सजा काटकर आया था और तभी से वह कानपुर में अपने मामा के यहाँ रह रहा था। परिजनों के अनुसार देवी सिंहपुरा के कुछ लोगों ने अपनी रंजिश होने की बात कही है। देखते हैं संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है साहब? पता नहीं साहब, वाह बच्चे कल ये कुछ चाय बैठे दाल खाना कल पर भी जाए ना पता नहीं कहाँ रहा है। 8 बजे वहाँ का पौधा आओ कभी दाल कुछ करो जाए वहाँ के बाद पता नहीं कौन मार दाल क्या करो हमें ना मालूम। हमें लगी आप तुझे से है फायर हो गई आपकी कब तक ये खाना पूर्ति करेंगे क्या करो हमें ना मालूम। ये कभी जाए नहीं होगा आप उससे मतलब ना पता हो तो बात ही देख गई एफ आई आर से संतुष्टि नहीं है आपकी? निर्णय ले सकते हैं काम वाले वहाँ पे जवान बच्चे मर रहे हैं कहाँ निर्णय ले लेंगे आप पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बताएंगे हम जब होंगे तब उसमें अभी तो आठ बजे अरे चलो बस पीछे थोड़ा सा बस थोड़ा पीछे नहीं नहीं बने आप ऐसे देख रहे क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह क्या घटना हुई थी और क्या तहरीर दिया? मैं तो साहब पुलिस वालों ने बताया था फोन करके कि आपका लड़का पेड़ पर टंगा हुआ हमें कोई जानकारी नहीं हम लोग गए तो हमकी जमीन पड़ा हुआ फिर हम बार एफ आई आर कर रहे जमीन उन्होंने अपने हिसाब से घबरा दिया हमने उनको हम पता है तो ऐसा वो तो हम उसमें निकाल देंगे उसमें सतवाले बात को शाम को रहता है। क्या आपने कुछ तहरीर दे दी है? तहरीर दी थी लेकिन उन्होंने हमारी तहरीर को न मान के अपने स्पष्ट तहरीर तो जो तहरीर ले रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट तो अब बस हैं बेबस हैं हमारी नहीं चल रही इसलिए बेबस है 3 घंटे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी नहीं मान रहा है तो फिर वो तो बेबस है सरकार है मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर Thank you.
वकील साहब देंगे अरे तो कोई हमें पहले साइड में खड़ा करा तो है बाद में जो सारी चीजें हम ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें कुछ नहीं कहना चाहते लेकिन डॉक्टर है आप ये कहोगे तो दो डॉक्टर का पैनल करें दो डॉक्टर एक के लिए हो सकते हैं ना हो आपको नहीं लिखा जाएगा फटाफट जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद।